अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा इसके एक्सरसाइज के नंबर। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दो सवाल दिए गए हैं और वो भी रिलेटेड है बेटा पीएच और पीओएच के टॉपिक से। तो आज बेटा इन सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है बेटा, अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग 14.8 ग्राम HCl इन वाटर। ठीक है, तो हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें हमने डिजॉल्व किया बेटा 14.8 ग्राम HCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, इफ़ दी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 750 सीएम क्यूब। ठीक है, तो हम एच सी एल को मिला रहे बेटा 14.8 ग्राम। ठीक है, और सोल्यूशन बना रहे बेटा 750 सीएम क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा 750 सीएम क्यूब। ये बात तो क्लियर हो गई। एंड एच सी एल इज एज्यूम टू बी कम्प्लीटली आयोनाइज। ठीक है, एच सी एल जो है बेटा मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होगा। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और हमें इस सोल्यूशन का पी एच मालूम करना है। ठीक है, तो पी एच मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पर क्या मुझे बेटा एसिड मौजूद है। ठीक है, तो पीएच मालूम करने के लिए हमें चाहिए बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ठीक है, तो हमें एच प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पे क्या बेटा सवाल है, हमें एच प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी गई। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमें इस सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें एच सी एल के सोल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी और उसके बाद क्या बेटा हम एच प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाए बेटा इसके लिए काम शुरू करते हैं और डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा अ सोल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग 14.8 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा मास ऑफ HCl। ठीक है, मास ऑफ HCl वो क्या है बेटा 14.8 ग्राम है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा बेटा जो आपके पास HCl का मोलर मास होता है, ठीक है, तो मोलर मास ऑफ HCl होता है बेटा 36.5, ठीक है, ग्राम इनटू मोल इनवर्स, यही होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मोलैरिटी फाइंड करनी है तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर या DMQ। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। तो यहाँ देखिए बेटा मास दिया हुआ और मोलर मास दिया गया। ठीक है, तो हम डेटा में ही क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं HCl के। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl को हम यही फाइंड करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आएगा बेटा मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, ऐसे ही है। ठीक है, कोई मसला तो नहीं। तो अगर नेक्स्ट स्टेप चले जाएँ तो मास क्या है बेटा इसका 14.8 ग्राम। ठीक है, मोलर मास है बेटा 36.5 ग्राम इनटू मोल इनवर्स। ठीक है, इसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बेटा 0.405। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा मोल। ठीक है, तो हमें क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है वो पता चल गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डैश लगा देता हूँ जिससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने डेटा में ही फाइंड कर लिया। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हासिल हो रहा है, ठीक है, 14.8 ग्राम HCl को मिलाने के बाद वो हो रहा है बेटा 750 सीएम क्यूब। ठीक है, यानी हमने 750 सीएम क्यूब में क्या है बेटा इसका सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। ठीक है, वो क्या है बेटा हमारे पास 750 सी एम क्यूब। ठीक है, तो अगर हम मोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं तो क्या है बेटा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स और नीचे वॉल्यूम इन लीटर या DMQ। ठीक है, तो हम क्या है बेटा इस सी एम क्यूब यूनिट को कन्वर्ट करेंगे DMQ यूनिट में। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे बेटा, तो 750 को आपने डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 0.75 DMQ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा कन्वर्ट हो जाएगा DMQ में, डेसीमीटर क्यूब में। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो डेटा में हमने इसका बहुत सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया। तो अब हमें मालूम करना है बेटा pH। ठीक है, ओके क्लियर। तो इसके सॉल्यूशन के जाने पड़ते हैं। तो अगर हमें pH फाइंड करना है तो हमें H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, तो H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने से पहले हमें इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो बेटा मोलैरिटी का फॉर्मूला है हमारे पास क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन DMQ। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है बेटा 0.405। ठीक है, और वॉल्यूम है बेटा 0.75 DMQ। ठीक है, 0.75 DMQ उसकी यूनिट है ये। ठीक है, और ये क्या है बेटा वॉल्यूम की यूनिट है। तो इन वैल्यूज़ को हमें डिवाइड करना है बेटा 0.405 को, तो इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा 0.54। ठीक है, तो ये क्या है बेटा मोल पर DMQ, इसको डायरेक्ट मैं एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा मोलैरिटी। तो हमें क्या है बेटा इसकी मोलैरिटी पता चल गई, इसको आप मोल पर DMQ पे लिखा हुआ छोड़ सकते हैं, इससे कोई मसला
नहीं है। तो हमें क्या है बेटा, इस एच सी एल सोल्यूशन की जो है वो मोलैरिटी पता चल गई। ठीक है, तो अगर हमें एच सी एल की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई तो हमें क्या है बेटा, एच एच प्लस आयन की भी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बासानी पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो एच सी एल है, एच सी एल की जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो आपके पास क्या है, 0.54 है। ठीक है, तो एच सी एल अगर पानी में डिजॉल्व होगा तो प्रोड्यूस करेगा बेटा एच प्लस आइन और क्लोराइड आइन। ठीक है, तो एच सी एल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है बेटा 0.54 मोलर। ठीक है, तो अगर बेटा ये आयोनाइज होगा तो प्रोड्यूस करेगा इतने ही कॉन्सेंट्रेशन में क्या बेटा, एच प्लस आइन। ठीक है, तो हमें सी एल आइन से कोई काम नहीं क्योंकि हमें पी एच कैलकुलेट करना है, क्योंकि एच सी एल एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वर्डिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एच सी एल इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इट आयोनाइज कम्प्लीटली। ठीक है, तो क्या बेटा, बाय यूजिंग द रिलेशन यू कैन कैलकुलेट पी एच। ठीक, तो पी एच का फॉर्मूला बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आइन। ठीक है, तो माइनस लॉग और एच प्लस की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो आपके पास क्या है बेटा, 0.54 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा 0.54 और इसको कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है वो आती बेटा 0.26 पीएच। ठीक है, तो पीएच की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, इसका किताब में जो आंसर लिखा वो शायद 1.2 लिखा हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, ये वाला जो आंसर है ये दुरुस्त है। तो उम्मीद करते बेटा ये सवाल जो है वो आपको बासानी समझ में आ गया होगा। तो अब सॉल्व करने जा रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल हमारे पास मौजूद है बेटा, डिहाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर। ठीक है, तो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दी गई है वो है 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर। ठीक है, तो हमें क्या है बेटा, इस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का जो है वो पीएच मालूम करना है। ठीक है, तो पीएच मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, वो चाहिए बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ठीक है, तो एच प्लस की हमें मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो हमें कौन सी कॉन्सेंट्रेशन दी गई बेटा, हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। ठीक है, तो किस तरीके से एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करते हैं, तो आज इसको देखते हैं। ठीक है, और फिर जाके हम पी एच मालूम करेंगे। तो डेटा बनाते हैं, तो हमें क्या दी गई बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वो है बेटा 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर। ठीक है, और मालूम क्या करना है बेटा, हमें पीएच जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे बेटा एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ठीक है, तो आपने लिखना है बेटा फर्स्ट वी विल फाइंड दी मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ठीक है, तो आप एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं बेटा इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो वो रिलेशन हमारे पास क्या है बेटा, तो एच प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइड्रोक्सिल आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है बेटा 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 के, ऐसे ही। ठीक है, तो क्या है बेटा, हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी गई, तो उसको हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और फिर एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हम फाइंड कर लेंगे। तो देखें बेटा किस तरीके से, ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास वो है बेटा 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है, और ये बेटा 1 एक्सपोनेंट माइनस 14, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में आएगा, तो 1 एक्सपोनेंट माइनस 14 डिवाइडेड बाय 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4। ठीक है, तो आपने इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने में जो वैल्यू आ रही है बेटा वो आ रही है 2.85 एक्सपोनेंट माइनस 11। ठीक है, तो ये है बेटा एच प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन बेटा, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। तो हमें मालूम करना है बेटा पी एच। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन फाइंड पीएच। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला बेटा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। ठीक है, तो नेगेटिव लॉग एच प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास बेटा 2.85 एक्सपोनेंट माइनस 11। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है बेटा 10.54। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की जो है वो पीएच को मालूम कर लिया। तो देखिए बेटा पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है। ठीक है, तो आपके पास जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो किताब में जो इसका आंसर दिया गया आई थिंक वो पीएच 8 लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग है। ठीक है, और इसके अलावा इस सवाल को किसी दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यही काम हम दोबारा करते हैं, अगर इसी का डेटा हम दोबारा लिखें तो आप इसको फॉरवर्ड कर लें। ठीक है, वो क्या बेटा, ओ एच की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर। ठीक है, और मालूम करना है हमें पी एच। ठीक है, ये था बेटा एक पहला तरीका।
और ये दूसरे तरीके से देखेंगे कि बेटा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड एन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे बेटा POH, ठीक है। तो POH कैसे निकलता है बेटा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एन, ठीक है। तो नेगेटिव लॉग और हाइड्रोक्साइड एन की जो कंसेंट्रेशन है वो है बेटा 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 4। तो इसको कैलकुलेटर में रखना है, वैल्यू मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई बेटा 3.45, ठीक है। तो POH जो बराबर है वो है बेटा 3.45 के बराबर है। तो हमें मालूम क्या करना है बेटा, pH। तो हम जानते हैं कि बेटा pH और POH का जो सम है वो बराबर होता है 14 के, ठीक है। तो POH की वैल्यू जो है वो बराबर है बेटा 3.45 के, ठीक है। और pH तो हमें मालूम करना है ऐसे ही है। तो प्लस 3.45 उस तरफ जाएगी, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और इस साइड हमारा हो जाएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ pH। तो 14 में से 3.45 जाएगा तो बचेगा बेटा 10.55। तो इस तरीके से बेटा हमने pH जो है वो मालूम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आया बेटा 10.54, तो इसको आप 10.55 भी कर सकते हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बेटा इन दोनों तरीके से हमने pH फाइंड कर लिया। तो जिस तरीके से आप चाहे वैसे करें, तो आपको क्या बेटा दोनों कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए जान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।